रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नई सरकार के प्रथम कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। बैठक की प्रतीक्षा करें हम, फिर बात करते हैं। ये बयान डिप्टी सीएम ने दिया है, आप सभी को पूरे विषयों की जानकारी विस्तार से देंगे। बैठक फिलहाल जारी है, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा थोड़ी प्रतीक्षा करें। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम अरुण शाह बैठक में मौजूद है, इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद है, सभी कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, बड़ी खबर। इसके अलावा बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पहली कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट से में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करें और इस विषय पर पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद विजय शर्मा मीडिया से बातचीत करेंगे, आप सभी को पूरे विषयों की संपूर्ण जानकारी देंगे। ये बयान डिप्टी सीएम ने दिया, तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक जारी है। और आइए सुनाते हैं आपको डिप्टी सीएम ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। कैबिनेट की बैठक की थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, कैबिनेट के बाद वो प्रेस से भी बात करेंगे और सारे विषयों पर आपको जानकारी दें। हम शक्ति के समीप हसौद गांव है, वहां गया था, वहां पर कमलेश साहू जी जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से मिला था। अभी अभी उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे नहीं हैं, परंतु मैंने नवविवाहिता को बिलखते देखा है। वहाँ पर मैंने देखा कि उनकी माता अथवा उनकी कोई बड़ी बहन है, ऐसा मुझे लगा उम्र के हिसाब से, जो कमलेश साहू जी के पार्थिव शरीर में उनके गाल को थपथपा कर उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मारपीट है, सब कुछ बहुत कष्टदायी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये बात समझना चाहता हूँ कि ये क्यों करते हैं नक्सली, ऐसा क्यों बम फोड़ते हैं, क्यों गोली मार रहे हैं। देखिए, बातचीत के लिए कोई भी सरकार हो, सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, 100 बार तैयार है, लेकिन गोलीबारी कोई करेगा तो थोड़ी बात बनती है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे कैबिनेट की बैठक के बाद। कैबिनेट की बैठक से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रतीक्षा कीजिए, बैठक के बाद हम इस पूरे मसले को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे।